हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इलम की रोशनी। माई सेल्फ इज़ मोहम्मद अबूबकर सिद्दीक एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर वन फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, दैट इज इंट्रोडक्शन। द टॉपिक नेम इज प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। सो स्टूडेंट, इन दिस लेक्चर वी विल ट्राई टू डिस्कस हाउ कैन वी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट, एंड वी विल ऑल्सो हैव अ शॉर्ट लुक ऑन सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, दैट इज एंडेंजर्ड स्पीशीज। बिफोर मूविंग टुवर्ड्स आवर लेक्चर, प्लीज सब्सक्राइब आवर channel and press the bell icon for getting more updates. Thank you. टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि इस जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं इसका एक्चुअली में मीनिंग क्या है, इसका एक्चुअली में मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है, ये एक्चुअली में टॉपिक है किसके बारे में है। तो स्टूडेंट, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है वो है एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट को हम किस तरह, जो हमारा माहौल है और उसके अंदर रहने वाली जितनी भी लिविंग स्पीशीज हैं, लिविंग एंटिटीज हैं, उनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमने उन चीज़ों को प्रोटेक्ट किस चीज़ से करना है, ठीक है। प्रोटेक्ट करना है हमें हार्मफुल थिंग्स से, और हार्मफुल थिंग्स क्या हो सकती हैं एनवायरनमेंट में, जो कि हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। जी हाँ, जो कि हम खुद अपने हाथों से प्रोड्यूस कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता चलता हूँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो डियर स्टूडेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस ने ना सिर्फ हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लिविंग सिनेरियो है, उसको इन्हांस किया है, उसको एक बेटरमेंट की तरफ लेके गया है, बल्कि उसने इसके साथ साथ उसके ऐसे डिसएडवांटेज भी हैं जो कि जो हमारी लाइफ है, जो इन्वायरमेंट है, उसको भी डिग्रेड कर रहे हैं, उसको भी कॉन्टेमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, के हम अपने इन्वायरमेंट को कौन से ऐसे बायोलॉजिकल कंट्रोल हैं जिनको हम अपनाते हुए, जिनको हम यूज़ करते हुए अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि इन्वायरमेंट को जो कॉन्टेमिनेट है, डिग्रेड है, वो किन चीज़ों से किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की है, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की मैंने आपसे बात की है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो चीज़ें निकलती हैं, जो वेस्टेज, जो मटेरियल निकलता है, वो कितनी टाइप्स का होता है वो मैं आपको बताऊंगा, और वो कौन कौन सी चीज़ों को, कौन कौन से एनवायरनमेंट में, किन फैक्टर्स को वो इफेक्ट करता है, मुतासर करता है। सबसे पहले जो यहाँ पर एक टर्म यूज़ होती है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, ये क्या चीज़ है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स रेस्टोरेंट वो मटेरियल है, वो वेस्टेज मटेरियल है जो कि इंडस्ट्री के प्रोसेस में से गुजरता हुआ हमारे इन्वायरमेंट में शामिल होता है। तो अब देखते हैं कि कौन सी चीज़ें जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस से इफेक्ट हो रही हैं। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस से जो मटीरियल निकलता है, वो अगर हम बात करें सॉलिड, गैसेस एंड लिक्विड्स, ठीक है। तो सॉलिड मटेरियल जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस से निकलता है, वो सबसे पहले हमारा जो लैंड पोल्यूशन है उसको कॉज करता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता चलूँ कि लैंड पोल्यूशन जो सॉलिड मटेरियल से कैसे इफेक्ट होती है, हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं फॉर आवर इन्हांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है उसको इन्हांस करने के लिए हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। अब पेस्टिसाइड जो के हैं वो क्या चीज़ है, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस से होके आती है, और वो क्या काज करती है, अल्टीमेटली जो उसके रिजल्ट होते हैं वो अल्टीमेटली जो हमारी लैंड है उसको भी पोल्यूट कर रही होती है। तो इसके अलावा अगर हम गैसेज की बात करें, तो गैसेज में हम देखते हैं कि ऑटोमोबाइल्स हमारे पास आती हैं, ठीक है। अब गाड़ियों में जो पेट्रोल यूज़ होता है, उसका जो मेन सोर्सेज है, जो कि हमारी जो हैवी इंडस्ट्री जो यूज़ करती है, उसका जो मेन सोर्सेज है वो पेट्रोल है, ठीक है। अब जब पेट्रोल को बर्न किया जाता है, तो डेस्टोडर उससे क्या रिलीज होता है, उससे लेड, एक मेटल है, ठीक है। तो पेट्रोल के बर्न होने से लेड मेटल है जो गैसेस की फॉर्म में इन्वायरमेंट में रिलीज होती है, और जो हमारी एयर है उसको पोल्यूट करती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम टैनरीज की बात करें, जिसमें हमारे पास क्रोमियम,
ठीक है। तो क्रोमियम जो है वो एयर में शामिल होकर जो हमारी पोल्यूशन है उसको इन्हांस कर रही है, ठीक है। अगर नेक्स्ट मूव करें डियर स्टूडेंट, हमारे पास आती हैं लिक्विड्स। तो लिक्विड्स का जितना भी मटेरियल है वो सारा का सारा इंडस्ट्री के प्रोसेस से होता हुआ किधर जाता है, वो सारा का सारा डियर स्टूडेंट रिवर्स में जाता है, ठीक है, ओशंस में जाता है, ठीक है, इसके अलावा लेक्स में जाता है। अब ये क्या करते हैं कि जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस है उससे होते हुए जितना भी वेस्टेज मटेरियल होता है वो अल्टीमेटली किधर चला जाता है, वो रिवर्स में जाता है, ओशंस में चला जाता है और लेक्स में जाके क्या करता है, जो मैरीन लाइफ है, जो हमारी आबी मखलूक है उसको जाके बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। और जिससे हमें पता चलता है कि जितनी भी हमारी मखलूक है, आबी मखलूक है, इन द रिवर्स, इन द लेक्स, इन द ओशंस, ठीक है, सारी की सारी विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इफेक्ट हो रही है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इस तरह हमने देखा कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है डियर स्टूडेंट वो हमारी ना सिर्फ हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लिविंग सिनेरियो है उसको इन्हांस कर रहा है, उसको बेटरमेंट की तरफ लेके जा रहा है, बल्कि उसके डिसएडवांटेज भी एक तरफ है जो कि हमारे इन्वायरमेंट को पल्यूट कर रहे हैं। और ना इनका इफेक्ट ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स पे है, ह्यूमन स्पीशीज पे है, बल्कि इनका इफेक्ट एनिमल्स पे भी है, इनका इफेक्ट प्लांट्स के ऊपर भी है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उनसे होते हैं उनके ऊपर भी इनका इफेक्ट बड़ा हैवी इफेक्ट है जिसको ओवरकम करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट जैसे हमने देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे लिविंग स्पीशीज़ को, लिविंग एंटिटीज़ को एज वेल एज हमें जो हम भी बिकॉज हम वी आर आल्सो इंक्लूडिंग इन लिविंग स्पीशीज के वो हमें कैसे इफेक्ट कर रहा है, हमारी जो मैरीन लाइफ है, हमारी जो अर्थ के ऊपर लाइफ है, अर्थ के नीचे लाइफ है, वो कैसे उसको इफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे कंसर्न ये आता है क्योंकि हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसका जो लास्ट टॉपिक है बायोलॉजी एंड सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड, कि बायोलॉजी ने मैनकाइंड की बेटरमेंट के लिए क्या सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की हैं, ठीक है। तो इससे अगला जो हमारा कंसर्न आता है कि बायोलॉजी ने इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए, इन्वायरमेंट की कंजर्वेशन के लिए क्या इकदाम किए हैं, क्या उसके लिए स्ट्रेटजीज अपनाई हैं कि उसके जो इन्वायरमेंट है उसको कैसे हम बेटरमेंट की तरफ लेके चल सकते हैं, उसको हम कैसे प्रोटेक्शन की तरफ लेके चल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारा कंट्रोल आता है वो क्या है, बायोलॉजिकल कंट्रोल, ठीक है। कि बायोलॉजिकल कंट्रोल की अगर बात करें कि कैसे वो काम करता है, ठीक है, या इसको हम बायोलॉजिकल एब्जॉर्प्शन भी बोल सकते हैं या बायोलॉजिकल कंट्रोल भी बोल सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता चलता हूँ कि हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं फॉर आवर एग्रीकल्चर इन्हांसमेंट के लिए, ठीक है, लेकिन पेस्टिसाइड्स को यूज़ करने का अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है कि वो हमारी जो लैंड पोल्यूशन है उसको इन्हांस भी कर रहे हैं। अब उसका हमें उसका हल क्या दिया है बायोलॉजी ने हमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स बताए हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो से हैं वो खुद जो लिविंग एंटिटीज़ हैं, जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, जो पेस्ट हैं जो कि क्रॉप के ऊपर अटैक करते हैं उनको किल करते हैं। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे आपको एग्जांपल दूं कि एक वॉलनट का ट्री है उसके ऊपर जो है एफिड है वो उसके ऊपर अटैक करता है, उसकी जो प्रोडक्शन है उसको कम करने की कोशिश करता है। तो बायोलॉजी के ज़रिए हम क्या करते हैं, हम एक वेस्प है उसको लेके आते हैं। वेस्प क्या है, एक लिविंग एंटिटी है, लिविंग स्पीशीज है। अब उसका फंक्शन क्या होता है कि वेस्प ने जाके उस एफिड के ऊपर अटैक करना है और अल्टीमेटली विदाउट यूजिंग एनी पेस्टिसाइड, विदाउट काजिंग एनी लैंड पोल्यूशन, उसके ऊपर जाके जो एफिड होगा उसके ऊपर जाके उसने अटैक करना है और उसको किल करना है। इस तरह हम क्या करते हैं कि हम बायोलॉजिकल कंट्रोल को यूज करते हुए हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को भी इन्हांस करते हैं और अपना जो इन्वायरमेंट है उसकी कंजर्वेशन भी करते हैं और उसकी हम प्रोटेक्शन भी करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया, अल्जाई, फंजाई वगैरह भी हम इस बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड में यूज़ करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो टर्म डियर स्टूडेंट हमारे पास आती है वो बायो रेमिडिएशन आती है। बायो रेमिडिएशन से क्या मुराद है कि बायो रेमिडिएशन से मुराद हमने किसी भी जगह कहीं भी जो भी पोल्यूटेंट पाए जाते हैं हम उनको किल करते हैं, उनको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, उनको हम क्या करते हैं एक्चुअली में उनको हम रिड्यूस करते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इस मकसद के लिए जो सबसे ज़्यादा पर्पजफुल हमारे लिए आती है वो अल्जाई, ठीक है।
अलजाई क्या होती है कि जो जितनी भी एयर में पोल्यूशन होती है, एक स्पेसिफिक किस्म की अलजाई की स्पीशी पाई जाती है कि उसका फंक्शन क्या होता है कि एयर में जितनी भी पोल्यूशन होती है उसको वो रिड्यूस करने की कोशिश करती है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पेट्रोल है उसको अगर हम यूज़ करें तो वो लेड को काज करता है। तो अब बायोलॉजिस्ट क्या ट्राई कर रहे हैं कि बायोलॉजिस्ट ऐसा पेट्रोल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि लेड फ्री होगा इन फ्यूचर में। अब उसका फंक्शन क्या होगा, उसका पर्पस क्या होगा कि हमारे जो एनवायरनमेंट है वो उससे पोल्यूट होना कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चंद एक ऐसे इकदाम हैं कि जो बायोलॉजिस्ट हैं वो अपना प्ले कर रहे हैं फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ आवर एनवायरनमेंट। अब अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो डेस्टोरेंट हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, एक आती है एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज से क्या मुराद होता है डेस्टोरेंट, इससे मुराद वो स्पीशीज हैं जो कि जो इन्वायरमेंट के इफेक्ट होने से उनकी जो लाइफ है वो खतरे में पड़ गई है। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम ये भी वक्त आ सकता है कि वो जो स्पीशीज हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम एक वक्त ऐसा आएगा कि वो इस प्लेनेट से, वो इस कुर्रा अर्ज से वो ख़त्म हो जाएं, वो मुकम्मली फुली तौर पे कम्प्लीटली है वो इस प्लेनेट से रिमूव आउट हो जाएं। अगर वो स्पीशीज जो ख़तरे में पड़ गई हैं जो कि एनवायरनमेंट की वजह से या एनवायरनमेंट में आने वाली फ्लक्चुएशन से उनकी जो मॉडिफिकेशंस हैं कि उनका एनवायरनमेंट है उन स्पीशीज को सपोर्ट नहीं कर रहा, मिसाल के तौर पर कोई ऐसी स्पीशीज है जो कि किसी जंगल में रह रही है, तो हम क्योंकि अब एज अ ह्यूमन हम जंगल को एज अ वुड जो उसे यूज़ करते हैं आवर डिफरेंट प्रोसेस के लिए, ठीक है, तो वो क्या होता है कि उस जंगल को काटने के वो जितनी भी वहाँ पे स्पीशीज होती हैं उनकी जो लाइफ है वो खतरे में पड़ जाती है। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम एक वक्त ऐसा भी आएगा कि वो जो स्पीशीज जंगल के काटने से इफ़ेक्ट हो रही है वो एक वक्त ऐसा भी आएगा कि वो कम्प्लीटली है वो जो है वो इस प्लेनेट से रिमूव आउट हो जाएगी। मिसाल के तौर पर एंडेंजर्ड स्पीशीज की बात करें, इसकी एग्जाम्पल में हम देखते हैं डॉल्फिन आती है हमारे पास, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आ सकती है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें मारखोर आ सकता है, ये एक पाकिस्तानी कौमी जानवर है। इसके अलावा चीता और हुबारा बस्टर्ड वगैरह ऐसे मुख्तलिफ किस्म के जो स्पीशीज इसमें आ सकती हैं। जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास डिस्टोनेंट यूज़ होती है वो एक्सटेंट स्पीशीज। जैसे मैंने बात की कि अगर वो जो स्पीशीज जो ख़तरे में पड़ गई हैं अगर वो कम्प्लीटली तौर पे इस प्लेनेट से रिमूव हो जाएं, कम्प्लीटली तौर पे ख़त्म हो जाएं, उन जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता चलता हूँ डायनासोर, ठीक है, तो जो ये ऐसी स्पीशीज है जो कि अब इस प्लेनेट पे एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज में चली गई है। अब ये वो चीज़ें हैं जो कि इन्वायरमेंट के इफ़ेक्ट होने से जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग एंटिटीज़ हैं, उनके ऊपर इफ़ेक्ट अल्टीमेटली हो रही होती हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि हम प्रोटेक्शन के इन्वायरमेंट की जो कंजर्वेशन है और प्रोटेक्शन है उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लेक्चर प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व योर कन्फ्यूजन। थैंक यू।